अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। एशिया कप 2023 बहुत करीब है, 30 अगस्त से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान ने पहले से अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दी हुई है कि कौन से प्लेयर पाकिस्तान के एशिया कप खेलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो अभी उनका स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया के काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड हैं, लेकिन अब वो इंजरी से वापस आ गए हैं तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द इंडिया का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो जाएगा। लेकिन जो प्लेयर्स अनाउंस होने हैं वो आपको हम पहले ही बता देंगे आज इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में बने रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एशिया कप 2023 इंडियन क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है वो आपको बताते चलते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ईशन किशन, केएल राहुल, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, यूजी चहल, शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर, ये इनकी टीम है और बड़ी ज़बरदस्त टीम है इंडिया की भी। और ज़्यादातर इनमें यंगस्टर्स हैं जो कि वेस्ट इंडीज सीरीज़ में भी खेले हैं, तो काफ़ी फ्रेश ब्लड है इनके पास। शुभमन गिल बड़े इनके सुपरस्टार बने हुए हैं आईपीएल के, तो उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी उम्मीदें हैं इंडिया को। और इसके अलावा रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा इस बार कैप्टनसी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब रोहित शर्मा कैप्टन थे एशिया कप में तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी इनकी टी20 में और ये फाइनल नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन अगर ओडीआई की बात की जाए तो ये ओडीआई का जो टूर्नामेंट है वो जीते थे रोहित शर्मा की कप्तानी में, क्योंकि उसमें विराट कोहली एब्सेंट थे, तब विराट कोहली कैप्टन होते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उनको जिताया था एमएस धोनी के साथ एशिया कप ओडीआई का लास्ट टाइम 2018 में। टीम इनकी भी अगर देखा जाए तो बहुत तगड़ी है, इनके पास बड़े ज़बरदस्त नाम है और मंजे में नाम है। मोहम्मद शमी बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, जसप्रीत बुमराह बेशक जो है इंजरी से वापस आए हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा दबदबा रहा है पाकिस्तान पे और पूरी दुनिया में। इनका देखना होगा कैसा ये आइलैंड सीरीज में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद एशिया कप में आते हैं। हार्दिक पांड्या जो कि फ्यूचर कैप्टन होने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, बड़ा उनका नाम चला हुआ है। उनकी बातें हो रही है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो उनकी परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन क्या वो अब आगे जाके परफॉर्म कर पाएंगे एशिया कप में, ये एक सवालिया निशान है। रोहित शर्मा की अपनी जो फॉर्म है उस पर काफ़ी सवालिया निशान है, क्योंकि रोहित शर्मा जो हैं वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं किया उन्होंने ओडीआईज में या टी20 में इंडिया की तरफ से। आईपीएल में तो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है और बड़ी सवालिया निशान है इस पर। और ये इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि ये इनके आखिरी एशिया कप है और वर्ल्ड कप भी इनका आखिरी है, तो रोहित शर्मा पर नज़रें हैं। विराट कोहली का तो मुझे टी20 में फ्यूचर अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है विराट कोहली की इनको जरूरत पड़ सकती है टी20 में, लेकिन रोहित शर्मा का ये एशिया कप भी आखिरी है, ये वर्ल्ड कप भी आखिरी है, उसके बाद रोहित शर्मा आपको रिटायर होते हुए नज़र आ रहे हैं। टी20 खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, तो ये रोहित शर्मा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने वाला है। संजू सैमसन का बड़ा नाम आ रहा है, मैंने इनकी बैटिंग अभी तक देखी नहीं है क्योंकि आईपीएल को मैं इतना फॉलो नहीं करता या इंडियन क्रिकेट टीम को इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन ये एक प्रोमिसिंग बैट्समैन सामने आ रहे हैं और इन पर बड़ा उम्मीदें हैं इंडियन को। और केएल राहुल की जो वापसी हुई है इस टीम में, हालांकि वो 85% सुना है कि इस टाइम पे फिट हैं, एशिया कप से पहले हो सकता है वो 100% फिट हो जाएं, लेकिन उनकी टीम में वापसी हुई है तो एक बड़ा ही ये साए रिलीफ है इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ये रिलीफ है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये हमेशा नहीं चले हैं और बड़े टूर्नामेंट में तो ये केएल राहुल हमेशा फेल ही होते हुए नजर आए हैं। क्यों इन पर इतना भरोसा किया जाता है और क्यों इनको आईसीसी टूर्नामेंट में स्पेशल एक लेवरेज दी जाती है और इनको बुलाया जाता है, ये तो इंडिया ही बता सकता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक बैलेंस स्क्वाड आपको इंडिया का देखने को मिलेगा। इसमें बॉलिंग में थोड़ी मुझे कमी नज़र आई है, इनके पास सिर्फ 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। शार्दुल ठाकुर आप कह लें ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, प्रॉपर बॉलिंग भी है, 4 इनके पास बॉलर कहने। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस देखनी होगी कि ये प्रॉपर पूरे मैच खेलते भी हैं या नहीं खेलते हैं, या वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इनको कुछ मैचेस में नहीं खिलाया जाता, तो बॉलिंग इनकी थोड़ी कमज़ोर लगी है मुझे और बैटिंग इनकी थोड़ी इनएक्सपीरियंस है। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली का आउट कर लिया जाए तो शुभमन गिल, ईशन किशन या श्रेयस अय्यर, नाम इनके बड़े मुश्किल हैं, वो आसानी से आउट हो सकते हैं, तो इंडियन क्रिकेट को वो तंग कर सकते हैं प्लेयर्स। लेकिन बैलेंस स्क्वाड है, जडेजा का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जडेजा आपको पता है बॉलिंग से भी इंडिया को विकेट प्रोवाइड करके देते हैं और बैटिंग से भी ये काफ़ी हैंडी प्लेयर है। और एक एक नाम जो है मुझे बड़ा शौक इसमें लगा है, उसमें चहल का नाम इसमें एकदम से आया है। टी20 की स्कीमों किंग में तो थे, लेकिन एशिया कप में इनकी एंट्री कैसे हो गई है मुझे ये ज़रा एक तश्वीशनाक बात लगी है कि यूजी चहल कैसे इस टीम में आ गए हैं। लेकिन एक अच्छा बॉलर है ये, इनको इतना प्रॉपर चांस मिला नहीं है जितना ये डिजर्व करते हैं, जितना इनके पास टैलेंट है। अब देखते हैं कि इसमें खेल पाते हैं सिर्फ या फिर बेंच स्टैंड या ये पानी पिलाने के ही काम आएंगे। बाकी एक बार टीम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, केएल राहुल, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, यूजी चहल, शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर।
सूर्य कुमार यादव पे बड़ा डिपेंड करेगा इनका मिडिल ऑर्डर, क्योंकि एक्सपीरियंस बैट्समैन है, एक टी20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, पिछला एशिया कप भी खेल चुके हैं, तो उन पे काफ़ी जो इंडियन क्रिकेट टीम है डिपेंड करेगी कि वो अच्छे रन्स बना कर दें। और ODI में भी इनका जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव ने खुद भी एतराफ़ किया है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड की जानी चाहिए थी उनसे। तो ये देखना होगा कि अब इन पर भारी जिम्मेदारी है, एक तो उनकी एज भी ऐसी है कि एक दो ही वर्ल्ड कप मुश्किल से खेलेंगे वो, क्योंकि लेट उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया है, तो यही उनके पास मौका है हीरो बनने का या फिर जीरो बनने का। अब सूर्य कुमार यादव पे डिपेंड कर रही है इंडियन टीम विराट कोहली के बाद इनके मिडिल ऑर्डर पे। तो ये था इंडियन क्रिकेट टीम का प्रोबेबल स्क्वायर जो कि आपको कुछ दिनों में देखने को ऑफिशियली मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।